हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका केएस टीवी की एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि हम जो है रोज़ाना वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे चैनल के ऊपर। तो बात कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कि जो शुभम है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मेरे घर पर भी गणपति है, तो उस चक्कर में हम लगातार वीडियोज़ आपके लिए नहीं ला पा रहे। लेकिन मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए रोज़ाना वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर, आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीवो के नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वीवो Z1X। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वीवो की जो जेड सीरीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो पिछला फ़ोन था वीवो Z1 Pro, उसने भी काफ़ी धूम मचाई थी अगर हम मिड रेंज स्मार्टफोन्स की बात करें। तो क्या ये जो वीवो का Z1X है वो भी उतना ही अच्छा निकलेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीवो Z1X के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या है इसकी प्राइस, और आखिर में कि क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए फिर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी Vivo Z1X के डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में। तो अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पॉली कार्बोनेट की फिनिश वाला बैक देखने को मिलता है। और इसके जो कलर्स हैं उनके नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, फैंटम पर्पल और फ्यूजन ब्लू ऐसे कलर के नाम हैं, और देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं दोस्तों। इन दोनों फ़ोन्स को देख करके आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक मिड रेंज वाले स्मार्टफोन है। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर आपको एक 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक हेलो फुल व्यू वाला डिस्प्ले है, और इसके अंदर आपको 3D ग्लास वाला प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले की मदद से आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और वीवो ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने इस सुपर एमोलेड डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट किया है खासकर पबजी लवर्स को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप पबजी खेलना पसंद करते हो तो ये डिस्प्ले की मदद से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको एक स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर हम मिड रेंज फ़ोन्स की बात करें। ज़्यादातर जो मिड रेंज के फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर आपको इसी सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, तो प्रोसेसर की चॉइस भी काफ़ी अच्छी करी है वीवो ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को मिलता है वो एक 22.5 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर है, और वीवो ने ऐसा क्लेम किया है कि आप 5 मिनट अगर इसे चार्ज करोगे तो आपको 3 से 4 घंटे तक का टॉक टाइम मिलेगा इसी वीवो Z1X से। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और फेस अनलॉक जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं वीवो ने। तो फीचर्स के मामले में कहीं पे भी आप पीछे नहीं रहोगे अगर हम वीवो Z1X की बात करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कैमराज की। तो अगर हम रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके अंदर आपको एक ट्रिपल कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि सोनी के IMX586 सेंसर के साथ आता है। इसका जो अपर्चर है वो है f1.79। जो दूसरा कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा है 8 मेगापिक्सल वाला, जो कि अपर्चर f2.0 के साथ आता है। और जो तीसरा कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है, जो कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका भी अपर्चर f2.0 है। तो दोस्तों, इन 3 कैमरास की मदद से आपके जो फोटोज़ है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, और हमने देखा था कि जो वीवो के Z1 Pro का कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो Z1X का कैमरा है वो भी अच्छे अच्छे फोटोज़ ले सकता है। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अलग अलग मोड्स देखने को मिलेंगे, और AI की कैपेबिलिटीज़ भी है इसी फ़ोन के अंदर, तो आपके जो फोटोज़ है वो और भी एनहेंस करके दे सकता है ये AI मोड। और दोस्तों, इसके अंदर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड 9 Pie, और जो स्किन यूज़ की है इस OS के ऊपर वो है वीवो की अपनी बनी हुई फन टच OS। अब हम बात करते हैं इसके मेमोरी ऑप्शंस की। तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और जो हायर एंड वेरिएंट है वो है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। जो 64 GB वाला बेस वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है 16,990 रुपीज़, और जो 128 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 18,990 रुपीज़।
तो दोस्तों जो प्राइस रखी है वीवो ने वो भी काफ़ी एग्रेसिव है और हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, AI वाला कैमरा, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है वीवो का Z1X। और मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 17 से 18 हज़ार रुपये तो बिना झिझक आप इस वीवो Z1X को ले सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया आपको Vivo Z1X के सारे फीचर्स, और अगर आपका मन है तो ज़रूर से आप इस फ़ोन को ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस फ़ोन को यूज़ करते करते। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है इस रेंज के अंदर। तो चलिए फिर विदा लेते हैं आपसे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए KSTV।